दोस्तों सब्सक्राइब करें ड्राइविंग हब चैनल को और देखें नए वीडियोस अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले। दोस्तों कोरोना क्राइसिस की वजह से आज ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस लॉस में चल रहे हैं, उसमें उबर ओला जैसे कैब बिजनेसेस भी शामिल है। साथ ही जूम कार, रेव जैसी सेल्फ ड्राइव कार कंपनी इसका शिकार हो चुकी है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो पूरी डिटेल्स जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं ड्राइविंग हब। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों कोरोना की वजह से उबर ओला जैसी कैब कंपनीज का तो लॉस हुआ ही है, पर साथ ही उनके साथ जुड़े हुए ड्राइवर पार्टनर्स का भी बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। अब इसमें मोस्टली वो लोग होते हैं जो कि कार लोन लेते हैं और उसका जो ईएमआई आता है वो हर महीने उनकी जो अर्निंग होती है उसमें से चुकाते हैं। अब रिजर्व बैंक ने 6 महीने तक ईएमआई में तो राहत दी, पर वो टाइम भी खत्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट मंथ से सबके ईएमआई शुरू हो जाएंगे वापस से। तो ऐसी कंडीशन में जब बिजनेस ही नहीं है तो आखिर ड्राइवर पार्टनर्स ईएमआई भरेंगे कैसे? और अब तो ईएमआई भी बढ़कर आएगा, जो भी 6 महीने का इंटरेस्ट है वो बाकी ईएमआई पर इक्वली डिवाइड होके ज्वाइन हो जाएगा। तो ऐसे में काफी सारे ड्राइवर पार्टनर्स अपनी कार्स बेचने का फैसला ले सकते हैं। अब दोस्तों जूम कार जो कि एक सेल्फ ड्राइव कार कंपनी है, उनके पास अराउंड 10,000 कार्स ऐसी है जो कि इस वक्त बिना यूज की पड़ी हुई है और उनका खर्चा उनको कैसे भी करके कम करना है, तो इस वजह से वो लोग अपनी कार्स कम करने का सोच रहे हैं। दोस्तों कुछ कंपनीज तो सेकंड हैंड कार डीलर्स को भी अप्रोच कर रहे हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी, ट्रू वैल्यू, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस। दोस्तों हो सकता है कि इस महीने की एंड तक ये कंपनीज काफी कार्स बेच दे और साथ ही ड्राइवर पार्टनर्स भी अपनी कार्स बेच सकते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे और ईएमआई भर नहीं पाएंगे तो फिर उनकी कार्स पर बैंक वाले कब्जा कर लेंगे और बाद में बैंक वाले भी अपना लॉस कवर करने के लिए उन कार्स को सेकंड हैंड कार डीलर्स को बेच देंगे। दोस्तों महिंद्रा फर्स्ट चॉइस ने ये कंफर्म किया है कि जूम कार में से कुछ कार्स इवेल्यूएशन के लिए उनके पास आई थी, पर उन्होंने अब तक कार्स बेची नहीं है। दोस्तों अगर ये सब कार्स बेचते हैं तो सेकंड हैंड कार मार्केट में कार्स का सप्लाई काफी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कार्स की वैल्यू काफी कम हो जाएगी। दोस्तों एक अंदाजा है कि अराउंड 25% ड्राइवर पार्टनर्स अपनी कार्स बेच देंगे और ये बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे और इससे उनके लेंडर्स यानी कि वो बैंक्स जिनसे उन्होंने कार लोन ली हुई है उनको भी काफी घाटा आएगा, क्योंकि येलो नंबर प्लेट वाली कार्स की सेकंड हैंड मार्केट में वैल्यू इतनी नहीं है। अगर ये होता है तो ये ठीक वैसा होगा जैसे कि 2017 में ड्राइवर पार्टनर्स ने अपनी कार्स बेची थी, पर उसका रीजन अलग था। उबर ओला ने ड्राइवर पार्टनर्स का कमीशन काफी हद तक कम कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया था। दोस्तों एक ऐसा भी अंदाजा है कि जो ड्राइवर पार्टनर्स ये बिजनेस छोड़ेंगे उनमें से 40-50% वापस इस बिजनेस में कभी नहीं आएंगे। दोस्तों इंडिया में टोटल 1.1 मिलियन यानी कि करीब 11 लाख कैब्स हैं, जिनमें से 80% सिर्फ बड़े बड़े 8 सिटीज में है। अब कोरोना के चलते लोगों ने काम के बिना घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है और उसी की वजह से कैब्स की डिमांड बहुत कम हो गई है और ये डिमांड को रिस्टोर होने में कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएंगे ऐसा मानना है, क्योंकि कोरोना वायरस खत्म हो, लोगों के अंदर से डर निकले और लोग पहले के जैसे बाहर निकले घूमने जाएं, ये सब में इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए और लाइफ वापस से पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ड्राइविंग हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।